भाऊ ऐसा कुछ नहीं है, ये सड़क टू का जो ये चालू है, पिक्चर आने वाला है और नेपोटिज्म चालू है ना सब। मेरा बाप की बेटी को लेगा, चाचा के लेगा, भतीजा को लेगा, तो इसके लिए वो बनाया, सब फैमिली आया, तो अभी वो उनको तो कुत्ता नहीं पहचानता है। तो अभी एक ही आदमी वो पिक्चर में संजू बाबा, जिसके वजह से पब्लिक पिक्चर देखेगा। आगे उसके अलावा संजय दत्त साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? कह रहे कि स्टेज 4 का लंग कैंसर हुआ है, लेकिन आपके वीडियो में हमने देखा था कि आपने कहा था कि उनको कुछ नहीं हुआ है, सड़क टू के प्रमोशन के लिए किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहला तो वो मेरी डार्लिंग है, बराबर है, और दूसरी बार सूत्रों के अनुसार ये बोलना जरूरी होता है, सूत्रों के अनुसार ऐसा खबर आया। मेरे भी चाहने वाले हैं थोड़े कुछ, जिनको पता है कि मैं उसको अपनी जाने हो, तो उधर से मेरे को किसी ने बताया कि भाऊ ऐसा कुछ नहीं है, ये सड़क टू का जो ये चालू है, पिक्चर आने वाला है और नेपोटिज्म चालू है ना सब। मेरा बाप की बेटी को लेगा, चाचा के लेगा, भतीजा को लेगा, तो इसके लिए वो बनाया, सब फैमिली आया, तो अभी वो उनको तो कुत्ता नहीं पहचानता है। तो अभी एक ही आदमी वो पिक्चर में संजू बाबा, जिसके वजह से पब्लिक पिक्चर देखेगा, तो ये स्टंट है, पब्लिक स्टंट ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा चुप रहे क्या? हाँ वैसे होएगा और क्या, क्योंकि अभी तो वो लीलावती से डिस्चार्ज हो गया था बीच में, थोड़ा तो दिमाग मंगता है कि नहीं, तो डिस्चार्ज हो गया था, तो डिस्चार्ज क्यों करेगा फिर? अच्छा इंसान होएगा तो डिस्चार्ज होएगा ना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब होता है? जब ठीक होता है तब। तो फटक कर से ये जब इसका ट्रेलर आ गया तो भाई को बना दिया, क्या फोर्थ स्टेट फिफ्थ स्टेट पे पहुँचा दिया, तो ये गलत है। ऐसा किसी का नाम से आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो थू है तुम लोग के जिंदगी पे। तुम्हारे जैसे है ना, मेरे पास बहुत है ऐसे जो मेरे को सुमड़ी में आके कान में बताते, हाँ कि भाऊ बजा इसकी। लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं जवाब दे दिया है कि नेपोटिज्म अब नहीं चलेगा, सड़क टू को 5 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं। 8 मिलियन के ऊपर हो गया, क्या होता है मालूम है? ये पब्लिक है और सब जानती है इनको। अगर आप हल्के मिलेंगे ना कि अपन कुछ भी करेंगे, पब्लिक क्या है देखना है उन लोग को, तो ये आपकी गलत फहमी है। हाँ कुत्ता पालो, गलत फहमी नहीं पालने का, तो इन लोग ने गलत फहमी पाले, इसके वजह से लोगों ने इनको इनकी औकात बताया, बिठाया था सर पे किसने? पब्लिक ने। अभी रास्ते पे कौन लाएगा? पब्लिक। ऐसा है तो इन लोग अपने औकात भूल गए, तो अभी पब्लिक उनको उनकी औकात दिखा रही है। आपसे सवाल, हिंदुस्तानी भाव आपको कैसे आपके दिमाग में आए कि हाँ ये हम एक ऐप बना रहे ताकि ताकि और हमको इसके ब्रांड एम्बेसडर हिंदुस्तानी भाव भी बनाना चाहिए? भाव हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी है ना भाव, नाम नहीं है उनका विकास पाटिल, नहीं हिंदुस्तानी है ना भाव, इसके लिए और आप हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तानी भाव आना जायज है। तो आप भाव के पास आप अप्रोच किए तो भाव ने तुरंत इसके लिए हाँ कर दिया, आप क्यों ना कहेंगे? भाव हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तान का भला हो रहा है, भाव खड़े रहेंगे ना। आप आगे क्या मैसेज देना चाहते हो अपने जो भाव के जो फैंस है, अभी जो ये काफी ताकि वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, आप उनके क्या मैसेज देना चाहते हो? भाव सब संभाल लेंगे। देख सुमेरे, वो बिचारे वो नहीं है, उसको मालूम नहीं, पहली बार है, तो उसको मत, तुम लोग एकदम बिचारे को कंफ्यूज मत करो। आपको देखो, पहली बात एक है कि एप्लीकेशन अपने देश का है, हिंदुस्तान का है, और इसमें अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचाओ जिसमें किसी का भला हो। भला करने वाले हम कुछ कोई नहीं, अपने एक जरिया देने वाला वही है, मगर कहीं ना कहीं एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ किसी को फायदा होगा, इसके लिए बनाया गया यूथ के लिए। तो आप देखो एक बार ट्राई करके, हाँ बस करना। आपके सवाल जो आज आपने बोल्ड पहना है, हाँ क्यों नहीं पहनने का? नहीं पहनने का नहीं, पहला कभी देखा नहीं,
तो तेरी नजर इधर क्यों है वो बता।